वेलकम बैक टू माई चैनल कियान की। और कैसा जो टॉपिक लेकर आई हूँ मैं वो ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको झाड़ू पोछा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्यों आपको झाड़ू पोछा करना चाहिए और क्यों आपको झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, किस कंडीशन पे नहीं करनी चाहिए। तो दोनों चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। कई लोगों का कहना ये होता है कि झाड़ू पोछा लगाने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, क्या रियलिटी में ऐसा होता है? काफ़ी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में। लेकिन साथ ही साथ गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पर आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, ताकि इस तरीके की वीडियोज़ आपको मिलती रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें गाइस, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि झाड़ू पोछा लगाना कितना सही होता है और कितना कई बार गलत भी चली जाती है चीज़ें। दोनों चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, घर का काम, अगर कोई हाउसवाइफ है, कहीं अकेले अगर कहीं रह रही हैं, तो क्या वो काम नहीं करेंगी? ऑब्वियसली करना पड़ेगा। या फिर कोई जॉइंट फैमिली में रह रहा है तो क्या काम नहीं करना है? प्रेगनेंसी कोई बीमारी तो नहीं है कि उसको लेकर हम बैठ जाएँ एक जगह पर और बस बैठ जाएँ और कुछ ना करें? ऐसी चीज़ें नहीं होती। अगर आपको कोई इशू है, कोई आपके साथ में कॉम्प्लिकेशंस ऐसी हैं, तब आप वो चीज़ को अवॉइड करिए। अगर आपकी स्मूथ चल रही है प्रेगनेंसी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। बोलने बताने वाले बहुत लोग मिल जाते, लेकिन अपना घर का काम हर एक औरत करती है और करना ही पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सेकेंड चीज़ ये होती है, जी हाँ, कई बार कहा जाता है, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्प करती है, आपको झाड़ू पोछा लगाना। तो ये यहाँ पे किस लिए कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपके जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, लचीले बनते हैं, तो आपको एक उसमें बेनिफिट मिलता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि झाड़ू पोछा लगाना कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट देता है। ये रियलिटी में चीज़ें होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कई बार अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कुछ भी स्टार्टिंग में अगर आपके साथ ऐसा हो गया कि ब्लीडिंग हो गई या समथिंग, बहुत सारे इश्यूज होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी तकलीफ़ है, तो उस टाइम पे आप इतना ज़्यादा काम ना करें, झाड़ू पोछा ना करें, क्योंकि आपकी अगर आप कुछ चीज़ें प्रिकॉशंस लोगे तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा। काम घर का सारी ज़िंदगी लगा रहना है, कोई भी उसमें करना ही है, लेकिन यहाँ पे मेजर चीज़ आपका बच्चा है, उस पर आपको पूरा ध्यान देना है। तो इस वजह से काम उतना करें जितनी आपकी बॉडी सह सकती है, जितना आप सह सकते हो। अगर हद से ज़्यादा चीज़ें करोगे, कई बार घर पे, ऑब्वियसली घर पे कई बार शादी का माहौल हो जाता है ना, शादी हो रही है, कोई फेस्टिवल आ गया, तो उस टाइम पे अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है घर पे, होता है, तो अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो क्या वो काम नहीं करेगी? जी हाँ, करना ही पड़ता है, लेकिन उतना करिए जितना आपकी बॉडी आपके साथ आपको दे रही है। अदरवाइज़ आप वहाँ पे स्टॉप कर दे चीज़ें, क्योंकि एक बार हद से ज़्यादा चीज़ें, कई बार आपको थकावट भी हो सकती है, आपको फीवर भी आ सकता है, और जैसे कि आप डस्टिंग का काम करते हो तो आपको सर्दी ज़ुकाम जैसी चीज़ें भी हो सकती है, वायरल फीवर वगैरह भी आना, ये सारी चीज़ें, इन्फेक्शन वगैरह होना, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आपके साथ में हो सकती है। तो काम उतना करें जितना आपकी बॉडी आपका साथ दे रही है, आप जितना कर सकते हो, अदरवाइज़ आपको उतना ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक रही बात कि झाड़ू पोछा में करने से आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो मैंने आपको बतला दिया है कि रीज़न क्या होता है, क्या चीज़ उसमें होती है। तो आपके मसल्स जो होते हैं पूरे, वो एक्सरसाइज उनकी होती रहती है, और वो नॉर्मल डिलीवरी जो होती है तो उसमें जो आपकी आपकी जो बोन्स होती हैं, तो आपको उतना ज़्यादा पेनफुल आपके लिए नहीं होता है, क्योंकि एक्सरसाइज से बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। तो गाइस, यही एक मेज़र चीज़ें होती हैं। और रही बात झाड़ू पोछा लगाने की, ज़रूर अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ आपकी चल रही है प्रेगनेंसी, तो आप ऑब्वियसली कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा जब आप डस्टिंग वगैरह करते हो, झाड़ू पोछा करते हो, तो कोई ऐसे केमिकल का यूज़ ना करें, क्योंकि सेंसिटिव हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान पे स्किन। तो ऐसा कोई हार्ड स्मेल वाली चीज़ें ना आप यूज़ करें झाड़ू पोछा में लगाने के लिए या फिर डस्टिंग करने के लिए, जो कि आपको स्मेल से कई बार उल्टी वगैरह भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार आपको इन्फेक्शन वगैरह, एलर्जी वगैरह होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस तरीके का काम आप ना करें, नॉर्मली घर पर हम झाड़ू पोछा। तो गाइस, ये थी इन्फॉर्मेशन। अच्छी लगी वीडियो, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कोई भी इस तरह क्वेश्चन हो तो। चलिए मिलते हैं अपने अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय गाइस।